हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर के बारे में। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल जिसको क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, आखिर क्या यूज होता है? एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एक डेटा एनालिटिक्स को एसक्यूएल की क्या जरूरत पड़ती है? चलिए इसी में हम बात करते हैं। सबसे पहले जानिए कि एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल क्यों होता है। अब देखिए, आपके पास एक्सेस है, एक्सेल है, तो आप 5-10 हज़ार का डेटा जो आपके एक पीसी पे रहता है उसको आप उसमें मैनेज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए जहां करोड़ों का डेटा है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में है, वेबसाइट से भी लिंक है, तो इस सब का डेटा जो है एक्सेल में तो होगा नहीं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सर्वर। जी हाँ, एक सर्वर चाहिए होगा, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा। तो एसक्यूएल सर्वर सिक्योरली चाहिए, क्योंकि अगर कोई और यूज करते हैं तो उसको इजीली जो है हैक किया जा सकता है। एसक्यूएल सर्वर सिक्योर डेटाबेस आपको देता है जो कि ऑनलाइन भी चलेगा और आपका सिस्टम पे भी चलेगा, आपकी एक सर्वर पे भी चलेगा और आपके एक लोकल होस्ट पे भी चलेगा। तो एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर की जरूरत पड़ती है लार्ज डेटाबेस और लार्ज प्लेटफॉर्म में, जहां पे हमें बहुत सारे लोग मिलके एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो, उसमें डेटा डाल रहे हो, उसमें से डेटा ले रहे हो। उसके लिए हम एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करते हैं। अब एसक्यूएल जो है दो तीन तरह के हैं, MySQL भी है, ओरेकल एसक्यूएल भी है और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल भी है। तो ये PHP के साथ जो है MySQL चलता है, ओरेकल का भी अपना है, जैसे ओरेकल एलिमेंट सी, एलिमेंट जीरो का भी अलग डेटाबेस है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो कि जनरली ऑफिस में होता है और जनरली जो MIS वाले बंदे हैं वो इस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से डेटा को पुल करते हैं। तो क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, MySQL को हैंज करने के लिए हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जहां पे हम SQL सर्वर को एक्सेस करते हैं, सर्वर की इंटरफेस कर लीजिए। तो इसको अब जब भी आप इंस्टॉल करना होगा, दो इंस्टॉलेशन इसमें होती है। पहली होती है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, दूसरा होता है मैनेजमेंट स्टूडियो। जी हाँ, मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे, और ये मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया। तो कौन सा SQL, यहाँ पे SQL एक्सप्रेस SQL सर्वर हमारा हुआ IPT का। अब SQL सर्वर के दो वर्जन है, पहला है एंटरप्राइज वर्जन, दूसरा है एक्सप्रेस वर्जन। अब एंटरप्राइज वर्जन लेने जाते हैं तो आपको वो पेड है, क्योंकि वो कंपनीज में यूज होती है, पेड है। लेकिन अगर आपको लर्न करना है, छोटा मोटा यूज करना है, उसके लिए यूज होता है SQL एक्सप्रेस वर्जन, जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और SQL सर्वर जो है एक सर्वर पे भी होता है, एक आपका लोकल होस्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है जिसपे आपने सर्वर बना दिया और सारा डेटा उसी के ऊपर है। अब उस कंप्यूटर से LAN और WAN की मदद से कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और कई सारे कंप्यूटर उसको क्लाइंट SQL से उसको कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, जैसे आपने देखा, जब मैंने इसको अपना सर्वर कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्शन किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन। तो मैंने यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो SQL सर्वर लोकल होस्ट है, मतलब इसी PC में स्टोर है, और स्टोर करते समय हमने कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं किया, तो डिफॉल्ट वो विंडो के पासवर्ड को लेके यूज कर रहा है। इसके अलावा यहाँ जो सर्वर नेम है, इससे पहले आप देख रहे हैं IPT, तो IPT हमारा PC नेम है। अब यहां IPT की जगह पे क्या होगा? आपका उस सर्वर का पाथ होगा जिसपे आपका SQL सर्वर इंस्टॉल है, जिससे एक्सेस करना है आपको, जिससे नेटवर्क के जरिए आपका PC कनेक्टेड है, उसका पाथ होगा। और ये SQL एक्सप्रेस दिख रहे हो, ये हमारा सर्वर नेम है, और डिफॉल्ट नेम आता है। इंस्टॉल करने से मैंने चेंज नहीं किया तो डिफॉल्ट लग गया, हालांकि इसको चेंज किया जा सकता है जब आप SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हो तो किया जा सकता है। तो इस तरह की पूरी डिटेल्स वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जूम के थ्रू लाइव क्लासेस दे सकते हैं। आप वीडियो क्लासेस लेना है तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक मिलेगा, iOS का भी एंड एंड्रॉयड का भी। तो फटाफट मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और मेरे साथ बने रहे। मेरी वीडियोज में खासियत यह है कि वीडियो ट्यूटोरियल में खासियत यह है कि हम आपको टेलीफोनिक सपोर्ट भी देते हैं।
क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको सीखने वाला नहीं है, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर सकते हैं अगर आप वीडियो क्लास पे जाते हैं। तो लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम वन टू वन लाइव क्लास देते हैं जहाँ पे हर एक डाउट हर एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके हर एक प्रॉब्लम को सुनते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और मेरा ऐप डाउनलोड करना मत भूलें। थैंक यू।